हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने आईफोन के अंदर जो ऑटो लॉक होता है वो कितने टाइम में रखता है, जैसे कि इसमें 2 मिनट में, 1 मिनट में, 50 सेकंड में, इस तरीके से हम टाइम सेट कर सकते हैं ताकि अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप ही फ़ोन के अंदर जो लॉक है वो अपने आप ही लग जाए। जैसे हम कई बार होता है हम फ़ोन खुला हुआ छोड़ देते हैं तो खुला हुआ ही रहता है, अगर टाइम ज़्यादा है तो कोई और भी यूज़ कर सकता है उसको, इसलिए हमें अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट करना है अपने आईफोन के अंदर ताकि वो अपने आप ही लॉक लग जाए। तो उसके लिए हमें सेटिंग में चलना होगा, पर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलते हैं और मिलते हैं अंदर, कैसे करना है मतलब जाता हूँ और आपको बताता हूँ। क्लिक करते हैं इसके अंदर, क्लिक करेंगे सेटिंग के अंदर, सेटिंग के अंदर उसके आने के बाद हमको चलना है डिस्प्ले के ऑप्शन में। डिस्प्ले के ऑप्शन के बाद नीचे आ रहे हैं, जैसे कि आप देखिए ऑटो लॉक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर 2 मिनट का टाइम सेट हो रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और नेवर नेवर मतलब कि आपका लॉक लगेगा ही नहीं, फिर स्क्रीन चालू रख जब तक आप खुद बंद नहीं कर पाए स्क्रीन, तब तक लॉक नहीं लगेगा। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग से मिनट सेट कर सकते हैं, जिसका मैं 2 से 3 कर लेता हूँ, मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो मैं ज़्यादा कर लिया। इस तरीके से आप भी सेट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।